मैंने इसलिए लिया है, जो यहाँ पे पोर्ट निवर्णुक लगी है अभी, वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो चार पक्ष हैं, जो घरानेशाही का राजकरण महाराष्ट्र में चालू है और घरानेशाही के राजकरण के कारण जो हुक्मशाही चालू है महाराष्ट्र में, उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे सबको मालूम है पूरे महाराष्ट्र को कि मैंने एक पक्ष निकालने का मैंने अनाउंसमेंट की हुई है, और जैसा कि मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये जो चारों पक्ष वाले हैं वो मिल के विन विरोध करने वाले हैं, तो इस वजह से मैं मुंबई से यहाँ पे आई हूँ ये अनाउंसमेंट करने कि कोल्हापुर में तो क्या, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पोट निवडणूक लगेगी वहाँ वहाँ मैं करुणा धनंजय मुंडे अपना कैंडिडेट खड़ा करूँगी और जीतने की कोशिश करूँगी। आप कैसा उम्मीदवार देना चाहते हैं, किसी ने आपके पास आपने इंटरव्यू दिए है क्या, किससे बात? तीन चार लोग हैं जिनकी मेरी बातचीत चल रही है, वो लोग भी राजकीय हैं और वो लोग भी थक चुके हैं ऐसे घरानेशाही के और भ्रष्टाचार के राजकारण से, वो लोग भी थक चुके हैं, जिसके कारण उन लोगों ने मुझे अप्रोच करा कि आप आइए और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आप बताइए कि यहाँ पे आप खुद अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहती हैं, क्योंकि ये कौन सी बात होती है। आज आप एक बात बताइए कि यदि एक एमएलए की डेथ हो जाती है, मेरी उनसे सेंपथी है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले, पर आप एक बात बताइए, यदि एक एमएलए की डेथ हो जाती है तो उसके कारण विन विरोध करना, 100 के करीब एसटी कर्मचारी मर गए, उनके ऊपर किसी ने सेंपथी जताई क्या? किसी ने नहीं जताई, तो हम क्यों इसमें सिंपैथी जताए, जनता क्यों सिंपैथी जताए? आज कोल्हापुर की जनता परेशान है, मुझे सब मालूम है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और कैंडिडेट लोग जिन्होंने मेरे को इच्छा जताई है उनको भी मैं ऐसे नहीं खड़ा करूँगी, चाहे कितने भी बड़ा तुर्रम खा क्यों ना हो वो, मैं जिसको खड़ा करूँगी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका पूरा बैकग्राउंड और मेरी जो विचारधारा है, जैसे कि मैंने बताया है कि मेरी पार्टी से जो भी व्यक्ति एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा या नगर सेवक बनेगा, कुछ भी यदि पद पे जाता है, तो मेरा एक जो बायलॉ सबसे कड़ा है वो बीबी बच्चे किसी के नाम पे ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है फ्यूचर में, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कुछ नहीं खरीद सकता। जैसे आज उसकी 1 लाख की प्रॉपर्टी है, तो आने वाले 5 साल तक जब तक वो पद पे रहेगा तब तक उसकी प्रॉपर्टी उतनी ही रहेगी। ये जो मेरा इतना कठिन बायलॉज है, क्योंकि नेताओं की पत्नियों को जो जीत के आता है उसकी बीबी को बिजनेस का भी नहीं मालूम रहता, पर 5 साल में आप देखेंगे तो 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी बन जाती है। और आज महाराष्ट्र में देखें तो कामगार लोगों को 8-8 हज़ार रुपये सैलरी भी नहीं मिल रही है, एमएलए को घर बैठे उसकी सैलरी मिलती है, हैं बिन ब्याज के गाड़ियों के लिए लोन मिलता है। जनता का पैसा आप एमएलए को दे रहे हो, पर जनता का पैसा आप जनता को 8 हज़ार रुपये उसकी सैलरी नहीं दे रहे हो, जो हॉस्पिटलों में गंदगी साफ़ कर रहे हैं। तो ये मेरे कई बायलॉज हैं जो 4-5 लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि वो लड़ने के इच्छुक हैं, मेरे नेतृत्व विचारधारा के लोग नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया बायलॉज मेरे बहुत कड़क हैं, जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बलात्कार के आरोप, मर्डर के आरोप, 25-25 आरोप के लोग आज हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि गंदगी मुझे फैलाना नहीं, मैं गंदगी साफ करने आई हूँ। आप गंदगी साफ करने आई है, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में सरकार फाउंड है, इस सरकार के बारे में आप क्या कहते हैं? महाराष्ट्र की सरकार का तो मैं क्या कहूँ, महाराष्ट्र की सरकार अभी जो चालू है उसके कारण तो मुझे राजकारण में आना पड़ा, नहीं तो राजकारण में आज मेरी 42 साल उम्र है, कोई वो ही नहीं है राजकारण में आने का इस उम्र में। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे शिवाजी महाराज ने एक नई मुहिम खोली थी, वो भी सैनिक के बेटे थे, वो चाहते तो आराम से अपने घर में बैठे रहते, पर उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध और घरानेशाही के राजकारण को ख़त्म करने के प्रति उन्होंने एक मुहिम चलाई और वो मुहिम में वो सक्सेस हुए। जैसे अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों ने गंदगी फैलाई तो गांधी जी हमारे आए, मतलब जब जब गंदगी बढ़ी है कोई ना कोई एक अलग शक्ति आई है। तो मुझे भी ऐसा लगता है जो आज ऐसी गंदगी फैली हुई है, आज कांग्रेस बीजेपी मिलके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, ये आप लोग खुद देख सकते हैं क्या चल रहा है। विचारधाराओं की राजनीति तो खत्म हो गई, शिवसेना बाला साहेब जी की शिवसेना जो गरीबों के लिए बनी थी, आज शिवसेना और एनसीपी, आपको मालूम है क्या स्टेटमेंट था बाला साहेब का एनसीपी और कांग्रेस को लेके, तो आज शिवसेना और एनसीपी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, आज बीजेपी और कांग्रेस मिलके कहीं भी कुछ भी करे जा रहे हैं, चारों पक्ष एक तरफ मिलके कर रहे हैं, तो जनता मूर्ख थोड़ी ना है, जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग? और मैं जनता को बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगी। जैसा मेरे साथ भी अत्याचार हुआ है इतना भयंकर, तो वो देखते हुए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक नई आवाज़, एक नया नेतृत्व इस महाराष्ट्र को आज ज़रूरत है, जो कि मैंने मोर्चा संभाल लिया है। और मेरा नारा एक ही है कि कार्यकर्ता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं किसी अपने बेटे, पति, चाचा, बाबा, मामा, काका, ताया, किसी को कभी नहीं बोलने वाली हूँ कि आप इनको वोट दो, कभी फ्यूचर में नहीं बोलूँगी, यदि बोला तो आपका जूता मेरा सर।
जनता को लाना है, नए कार्यकर्ताओं को चुन के लाना है। आप भी पीड़ित है खुद। शक्ति कायदा के ऊपर बोलूंगी मैं, शक्ति कायदा जो है वो सिर्फ दिखावे का है। यदि शक्ति कायदे पर हमारे उद्धव ठाकरे जी या हमारी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, यदि वो कुछ करती तो सबसे पहले वहाँ से मतलब धनंजय मुंडे को जेल में डाला जाता, उसके बाद संजय राठौर को FIR की जाती। FIR तक नहीं है, दिशा सालियान को आज हमारे इस महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज की भूमि है, जिन्होंने शंभू राजे ने उनके पुत्र शिवाजी महाराज जिन्होंने अपने खून के कतरे कतरे बहा दिए महिलाओं की इज्जत के लिए, आज उस महाराष्ट्र भूमि पर महिलाओं की ये इज्जत है कि एक दिशा सालियान जैसी लड़की को बलात्कार करके उसके घर से नंगा फेंक दिया जाता है, पूजा चौहान को प्रेग्नेंट करके एक बुढ़ा 50 साल का और वो उसको मरवा देता है, उसके घर से उसको फेंक दिया जाता है, करुणा धनंजय मुंडे को जेल में डाल दिया जाता है। वॉट इज़ दिस गोइंग ऑन, क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र में? और यही सब देख के आज मैं इतनी उग्र हो चुकी हूँ और मैंने मोर्चा संभाल लिया महाराष्ट्र का। DNA मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल DNA मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।